अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों और प्यारे भाइयों। राजस्थान में एक दरगाह ऐसी भी है जिसकी गुंबद से शक्कर बरसती है। इसी कारण यह दरगाह बहुत मशहूर है। बहुत सालों पहले की बात है, हजरत सैयद अलाउद्दीन अहमद जिंदा पीर शमसी सबजवारी अलमारूफ, हजरत हाजिब शकरबार रहमतुल्ला अलैह, जब अपने वालिद के मजार की तामीर से फारिग होकर हज का इरादा किया और सफर पर रवाना हुए। ये सफर माहे शबान से शुरू हुआ था कि कुछ दिनों के सफर के दौरान आपको महसूस हुआ कि बुखार है। शहरे बुखार की हालत में हजरत चलते चलते बाबा एक गांव में पहुंच गए। गांव में बाबा को झोपड़ी दिखाई दी। बाबा झोपड़ी के पास पहुंचे तो बाबा को झोपड़ी में एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई दी। उस बुढ़िया ने आवाज लगाई और बोली, कौन है? बाबा बोले, मुसाफिर हूं, पास से गुजर रहा था। बाबा ने पूछा, आप कौन हो? बुढ़िया बोली, मैं इस घर में रहती हूं। बाबा ने पूछा, माई आपका नाम क्या है? बुढ़िया बोली, मेरा नाम बुशरा है। बाबा बुढ़िया के पास पहुंचे और फरमाया, मुझे बुखार है और मुझे भूख की तलब भी है, कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया बोली, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, देखो कुछ होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ढूंढने लगी। बुढ़िया को एक बर्तन में कुछ शक्कर नजर आई। खाने के लिए बुढ़िया रोटी पर शक्कर रखकर ले आई कि बाबा को पेश करूं। बुढ़िया सोची, कोई फकीर है, भूखा है और बीमार भी। उस बुढ़िया के पास सिर्फ एक व्यक्ति खा ले उतनी ही शक्कर थी। बाबा को सब पता था, आप अल्लाह के वली हैं तो दिल का हाल भी जानते हैं। बाबा को उस बुढ़िया का स्वभाव बहुत पसंद आया। बाबा ने खाते वक्त उस बुढ़िया को देखा और फरमाया, माई थोड़ी शक्कर और मिलेगी। बुढ़िया उदास होकर बोली, जो कुछ भी था सब लेकर आ गई बाबा, और कुछ नहीं है मेरे घर में। बाबा ने फिर से कहा, मुझे थोड़ी शक्कर और दो माई। बुढ़िया ने बहुत खूबसूरत लहजे से जवाब दिया, जो कुछ भी था सब लेकर आ गई, मेरे घर में क्या शक्कर बरसती है, जितनी घर में थी सब ले आई हूं। आप हजरत ने मुस्कराते हुए फरमाया, माई झूठ ना बोल, पीछे मुड़कर देख तेरे घर में कितनी शक्कर बरस रही है। बाबा का इतना बोलना हुआ कि अल्लाह के करम से शक्कर की बरसात होने लगी। बुढ़िया ने देखा तो वाकई शक्कर बरस रही थी। उस वक्त बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बाबा उसके घर से चले गए। जब बुढ़िया बाहर आकर देखा तो बुढ़िया को कोई नजर नहीं आया। बाहर बुढ़िया को लगा ये कोई खुदा के वली थे। राजस्थान के झुंझुनू चिरावा से 10 किलोमीटर दूर नरहर शरीफ में स्थित है ये दरगाह। हजरत हाजिब शक्कर बार बाबा अजमेर के हजरत ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे तथा उन्हीं की तरह सूफी संत थे पीर बाबा, यानी जो ऐसी अद्भुत करामात शक्तियां रखते थे जो आम व्यक्ति को हासिल नहीं हुई हो। हाजिब शक्कर बार बाबा ने ख्वाजा साहब के 57 साल बाद पर्दा फरमाया था। यह दरगाह है झुंझुनू जिले की नरहर शरीफ में स्थित है, जो कौमी एकता की जिंदा मिसाल है। इस दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा से दुआ और जियारात दर्शन करते हैं। हर साल चांद की तारीख 25, 26, 27 रजब को उर्स मनाया जाता है। चांद की 26 तारीख को बाबा के कुल के छींटे आने वाले सभी अकीदतमंदों को लगाए जाते हैं। कौमी एकता की प्रतीक के रूप में ही यहाँ प्राचीन काल से सालाना विशाल मेला भरता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग पूरी अकीदत से शामिल होते हैं और फैज पाते हैं, अपनी झोलियां मुरादों से भरते हैं।